अपनी चंद लास्ट वीडियोस के अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टोटल चार जो चीज़ें हैं ऑनलाइन स्टोर को ग्रो करने के लिए, उसकी जो लास्ट चीज़ है वो है ट्रैफिक। ठीक है, कुछ स्टोर के ऊपर ट्रैफिक ही नहीं होती, ठीक है, जिससे जो है ना कस्टमर्स में कन्वर्ट हों वो। ठीक है, वो ट्रैफिक पे स्पेंड ही नहीं कर रहे होते, मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड ही नहीं कर रहे होते। ठीक है, आप ये देख लें कि अमेजोन एवरेज 4,000 से 5,000 जो है ना इंडियन रुपीज स्पेंड करता है एक नए कस्टमर को लेने के लिए इंडिया के अंदर। ठीक है, और उसको आप समझते हैं कि उसकी जो कमीशन रेट होता है वो चंद रुपए होता है, ठीक है, चंद परसेंट होता है। ठीक है, लेकिन वो फिर भी एक नए कस्टमर को लेने के लिए 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि पहला जो कस्टमर है वो मुश्किल है, उसके बाद हमें आसान हो जाएगा। और ये चीज़ आप लाजमी तौर पर फोकस करें कि आप ने ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए आपके स्टोर के ऊपर। ठीक है, उसके लिए मार्केटिंग करें, और डिजिटल मार्केटिंग करें, अगर ऑर्गेनिक मार्केटिंग करें, ठीक है, आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए काम ले सकते हैं, आप जो है ना लोकल अगर आपकी कोई ऑफलाइन मार्केटिंग का सेटअप है तो उसके जरिए ले सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है ट्रैफिक। आपके स्टोर के ऊपर ट्रैफिक होनी चाहिए, अगर आपके पास स्टोर पर ट्रैफिक नहीं है, बाकी जो तीन मैं आपको पहले बता के आया हूं उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ट्रैफिक लाजमी है, उसके लिए आपको लाजमी तौर पर पैसे स्पेंड करने होंगे मार्केटिंग के ऊपर। एक मार्केटिंग का बहुत ही अच्छी कोट है, हूएवर स्पेंड्स द मोस्ट मनी टू एक्वायर अ कस्टमर विन। ठीक है, जो ज़्यादा जितने ज़्यादा पैसे स्पेंड करेगा वो ही जीतेगा। ठीक है, अगर आप कंपटीटर से जीतना चाहते हैं तो मार्केटिंग के ऊपर आपको 100% ट्रैफिक चाहिए होगी।